नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, और सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर आप मिल रही है भोपाल से। कांग्रेस का आज आधे दिन का बंद का आह्वान है। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों का विरोध कांग्रेस कर रही है, और इसी को लेकर कांग्रेस ने आज बंद का आह्वान किया है। अलग अलग टुकड़ियों में शामिल रहेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जबरन परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है, और इसी का विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, और आज कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया है। आधे दिन के बंद का आह्वान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, हर तरह से महंगाई बढ़ रही है, और इसको लेकर कांग्रेस पहले से ही विरोध करती आ रही। पहले भी हमने देखा कि कांग्रेस ने जो है चूल्हे पर खाना बनाकर विरोध जताया था, कहा था कि अब जो है ऐसे दिन आ रहे हैं कि रसोई गैस के इतने दाम बढ़ रहे हैं कि चूल्हे पर ही खाना बनाने के दिन आ जाएंगे। और आज फिर एक बार जो है महंगाई के विरोध में कांग्रेस आज आधे दिन का बंद का आह्वान किया है कांग्रेस ने। जो है चूल्हे पर खाना बनाकर विरोध जताया था। बंद को सफल बनाने में अपना योगदान दे। पिछले दो से तीन दिनों से हम देख रहे थे कि आज कांग्रेस के द्वारा आधे दिन के बंद का आह्वान किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा भी वीडियो मैसेज जारी किया गया था प्रदेश की जनता के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, कि वो इस बंद को सफल बनाने में अपना योगदान दें। तो पिछले दो से तीन दिनों से हम देख रहे थे कि कांग्रेस के होर्डिंग लगे हुए वाहन पूरे शहर में घूम रहे थे। कल भी हमने देखा कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता बाजारों में घूमकर लोगों से बंद को सफल बनाने की एक तरह से अपील करते हुए नजर आए। आज देखना होगा, क्योंकि 8 बजे से इस बंद की शुरुआत होगी और करीबन 12 से 1 बजे तक ये बंद रहेगा कांग्रेस के आह्वान पर। हालांकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि मनमोहन के समय, सोनिया गांधी के समय, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, तब कांग्रेस के लोगों को जनता की याद क्यों नहीं आई। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के जो दाम होते हैं उस पर निर्भर करता है, और मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि महंगाई पर, लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन उसके बावजूद रसोई गैस के दामों में 75 रुपये का इजाफा हुआ है, और पेट्रोल डीजल के दाम तो प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि फरवरी महीने की बात करें तो 10 दिन पेट्रोल के दाम बढ़े ही हैं, पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर आज कांग्रेस के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर की सड़कों पर नजर आएंगे और व्यापारियों से बंद, अपने प्रतिष्ठान बंद करने की अपील करेंगे। अपील के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता उपद्रव ना करें या जबरदस्ती बाजार को बंद कराने की कोशिश ना करें। इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भी तैयारियां कर ली गई हैं, पुलिस बल भी बाजारों में तैनात रहेगा। अगर कोई कांग्रेस कार्यकर्ता जबरदस्ती बाजार को बंद कराने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कल ही स्पष्ट कर दिया गया है पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से, कि बंद ये स्वैच्छिक है। जनता अगर चाहे बंद में कांग्रेस का योगदान देना, एक कहें कि जनता अगर चाहे कांग्रेस का साथ देना है बंद के लिए, तो व्यापारी अपना बंद रख सकते हैं, अपने प्रतिष्ठानों को बंद रख सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती अगर किसी के द्वारा बंद कराया गया, प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी वैभव जी, जिस तरीके से आपने बताया कि 8 बजे से लेकर 2 बजे तक इस बंद का आह्वान किया गया है, तो अभी 1 घंटा बीत चुका है, अभी क्या कुछ असर दिखाई दिया है क्या बंद का इस? पूनम, आमतौर पर जो बाजार होते हैं वो कभी 8 बजे खुलते ही नहीं हैं। भोपाल के जो बाजारों की बात करें,
चाहे न्यू मार्केट की बात की जाए, पुराने शहर की बात की जाए, यहाँ पर मार्केट खोलने की शुरुआत ही 10 से 11 बजे के बाद होती है, क्योंकि जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो भी 10 बजे अपने नौकरी करने के लिए जाते हैं। जो व्यापारी होते हैं, चूँकि रात 10 बजे तक 11 बजे तक बाज़ार खुले रहते हैं, तो सुबह सुबह बाज़ार बहुत ज़्यादा जल्दी खुलते नहीं हैं। हाँ, लेकिन अति आवश्यक जो सेवाएँ होती हैं, मेडिकल्स खुले रहते हैं, दूध की दिक्कत ना आ जाए तो डेयरी ये खुली हुई है, क्योंकि इनको बंद नहीं कराया जाएगा। ये जो नियम होते हैं बंद कराने के, उसमें स्पष्ट तौर पर लेके कि अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो प्रतिष्ठान होते हैं उनको कभी भी बंद नहीं कराया जाता। तो फिलहाल 9 बजे हैं और 9 बजे तक बाज़ार भोपाल का वैसे भी नहीं खुलता है। बंद का असर जो असल देखने को मिलेगा वो 11 बजे के वक्त देखने को मिलेगा, जब बाज़ार खुलेगा या नहीं खुलेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नज़र आएंगे या फिर नहीं आएंगे, और व्यापारी कांग्रेस के बंद में क्या उनका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसकी असली जो तस्वीर है वो 11 बजे के बाद नज़र आएगी, जब बाज़ार खुलने का समय शुरू हो जाएगा। जी राहुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल 11 बजे के लगभग जब मार्केट खुलने का समय होता है तब ये नजर आएगा कि कितना असर इस बंद का रहने वाला है, क्योंकि 8 बजे से लेकर 2 बजे तक यानी कि आधे दिन का आह्वान किया गया है बंद का कांग्रेस की तरफ से। लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसी महंगाई का विरोध कांग्रेस करती आ रही है, और आज विरोध स्वरूप ही कांग्रेस ने इस बंद का आह्वान किया है। और भोपाल में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ खुद मोर्चा संभाले।